मैं मोहम्मद कासिम अली बेग, लेक्चर इन उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, नलगोंडा। आज इससे नज़म से मसनवी, मसनवी अमननामा के लिखने वाले जानिसार अख्तर, मसनवी अमननामा लिखने वाले जानिसार अख्तर जानिसार अख्तर का मुख्तसर तारुफ़। तरक्की पसंद शायरों की सब में जानिसार अख्तर एक अहम शायर का दर्जा रखते हैं। यानी तरक्की पसंद शायर उर्दू तहरी को, उर्दू शायरी को तरक्की दिलाने वालों में जानिसार अख्तर का नाम नुमाया। वो एक अहमियत के हामिल हैं। वो 8 फरवरी 1914 को ग्वालियर में पैदा हुए। 8 फरवरी 1914 को ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए। इनके वालिद इफ्तिखार हुसैन मस्तर खैराबादी भी अच्छे शायरों में थे। इनके वालिद भी उस ज़माने के अच्छे शायरों में शुमार होते थे, जिनका नाम इफ्तिखार हुसैन मस्तर खैराबादी। ग्वालियर में ही इब्तदाई तालीम हासिल की। इनकी इब्तदाई तालीम क्या है, ग्वालियर के अंदर ही शुरू हुई, मुकम्मल हुई। वो विक्टोरिया हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पे आएगी। वहाँ पे विक्टोरिया हाई स्कूल से क्या है, मैट्रिक का इम्तहान, SSC यानी 10वीं का इम्तहान पास किया। और 1937 में अलीगढ़, 1937 ईस्वी में अलीगढ़ से BA और 1939 में MA का इम्तहान कामयाब किया। वो उर्दू नावल का इरतका अनुमान पर PhD करना चाहते थे। यानी उनके MA कामयाब करने के बाद क्या है, उर्दू नावल का इरतका के अनुमान पर क्या है, PhD करना चाहते, जो मुमकिन नहीं हो सका। यानी इनका जो PhD करने का इरादा था वो क्या है, मुकम्मल नहीं हुआ, मुमकिन नहीं हुआ। मुलाजिमत का आगाज़ विक्टोरिया कॉलेज के लेक्चर की हैसियत से किया। और अपनी मुलाजिमत का आगाज़ क्या है, विक्टोरिया कॉलेज में लेक्चर की हैसियत से करे। और 1935 में अलीगढ़ मैगज़ीन के मुदीर और अंजुमन हिंदी इख्तत शोरा के सेक्रेटरी मुखर हुए। इसी साल इसरारुल हक मजाज की बहन सफिया से शादी हुई। यानी अपनी मुलाजमत शुरू करने के साल में ही वो क्या है, लेक्चर की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार करे विक्टोरिया कॉलेज में। उसी साल उनकी इस शादी क्या है, इसरारुल हक मजाज की बहन सफिया से हुई। जानिसार अख्तर ने ग्वालियर के बाद हमीदिया कॉलेज भोपाल में लेक्चरशिप की। वो क्या है, विक्टोरिया कॉलेज से क्या है, वहाँ पढ़ाने के बाद क्या है, ग्वालियर कॉलेज में हमीदिया कॉलेज भोपाल में भी लेक्चरशिप की। और 1949 में मुलाजिमत से मुस्तफ़ी हो गए। और हमीदिया कॉलेज में पढ़ाने के बाद क्या है, 1949 ईस्वी में मुलाजिमत से मुस्तफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा देकर नौकरी ख़त्म कर दी। वो इस तरह के ख्याल से वाबस्ता रहे। वो क्या है, इस तरह के ख्याल, यानी मिलजुल कर रहने का ख्याल से क्या है, वाबस्ता रहे। अंजुमन तरक्की पसंद मुसफ़िन के सदर रहे। और क्या है, हर एक को मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके लिए क्या है, इन ख्याल को रखते हुए एक अंजुमन तरक्की पसंद मुसनफिन, किस तरीके से लोगों को क्या है, मिलजुल कर रहने के लिए हम आमदा कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, एक अंजुमन तरक्की पसंद मुसनफिन कायम की गई। इसके ये सदर भी थे और मुंबई से वाबस्तगी अख्तियार की। वहाँ से मुंबई से वाबस्ता होकर वहाँ पर रहने लगे। उन्होंने अपने अहलिया सफिया की रहलत के बाद 1952 में भोपाल की खतीजा हारून से शादी की। इनकी पहली बीवी सफिया के इंतकाल के बाद वो क्या है, 1952 में भोपाल के खतीजा हारून से शादी की। दूसरी शादी इनकी खतीजा हारून से। कई फिल्मों के गीत लिखे। 1974 में उन्हें स्वेतलैंड अवार्ड दिया गया। 1974 में क्या है, उन्हें स्वेतलैंड नेहरू अवार्ड दिया गया।
1974 में गए, सोवियत लैंड और नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। इनकी रुबायात और ख़तात के मजमू वतन से मोहब्बत के पस नज़र में अख्तर ने हिंदुस्तान हमारा 2 जिल्दों में पेश की और नसर के अंदर क्या है हिंदुस्तान हमारा एक बहुत ही अच्छी किताब 2 जिल्दों में पेश करे। और 18 अगस्त अगस्त 1976 को फालिस के हमले से इस दार फानी से कोच गए, यानी 1876 को कहे फारिस के हमले की वजह से गए इस जहाँ से कोच कर गए, यानी इंतकाल कर गए जहाँ से मुंतकिल हो गए। तरक्की पसंद नज़म गज़ल रुबाई और ख़तात ही नहीं बल्कि जानिसर अख्तर ने तरक्की पसंद मुसनबी के ज़रिए शहरत हासिल की। इनकी शायरी के अंदर क्या है नज़म है, गज़ल है, रुबाइयात, ख़तात, ये सारे मशहूर तरक्की पसंद शोरा के अंदर इनका शुमार होता था। ये बहुत ही शोहरत हासिल हुई। इनकी मसनवी अमननामा सिनफ मसनवी के बारे में अली के ख्याल की तोसी है और बिलाशुबा अमननामा के ज़रिए जानिसार अख्तर ने हुब वतन के जज्बे को उभारे हैं। इसीलिए यहाँ अमननामा का इख्तबास बतौर मतलब पेश किया जाता है, यानी अमननामा इनकी मसनवी बहुत ही मशहूर मसनवी है। ये क्या है वतन से मोहब्बत के जज्बे को उभारने वाली मसनवी है। ये मुस्तवी अमननामा को क्या है इस सिलेबस के अंदर बतौर मुताला ने पढ़ने के लिए पेश किया गया है। यहाँ से मसनवी शुरू होती है। बिला साकी आबाद खाने एहसास के हिंदुस्तान पर रहे हमको नाज, मोहब्बत खाके वतन से हमें मोहब्बत है अपने चमन से, हमें अपने सहनों से सुबहों से अपने सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहर के नामों से प्यार, हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, घने बरगदों की घनी छाँव से, हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायत से। यानी शायर क्या है अपने आप को शराब के नशे में साखी आए शराब पिलाने वाले से मुखातिब होकर कहता है ताकि शराब पिला दे, पिलाने के बाद क्या है वो अपने मुल्क हिंदुस्तान की जमहूरियत पर नाश करता है। फ़ख्र करते हुए कहता है कि यहाँ हर एक आदमी को अपनी मोहब्बत अपने वतन से, खाके वतन से हमें ही मोहब्बत होना चाहिए और मोहब्बत से यहाँ के चमन को क्या है बहुत ही सरसब्ज और शहबाज मोहब्बत का चमन इस हिंदुस्तान जमहूरियत के मुल्क में हमें यहाँ के वतन की मिट्टी से भी होना और यहाँ के चमन से भी, यहाँ के फूल से भी, यहाँ हमें अपनी सुबहों और शामों से, यहाँ की सुबह और शाम से हर एक को मोहब्बत होना चाहिए। अगर इस मुल्क में रहने और बसने वाले हर एक आदमी को क्या है यहाँ की वतन से भी मोहब्बत है, यहाँ के फूलों से, चमन से, यहाँ की सुबह से और शाम से, हमें अपने शहरों के नामों से भी प्यार होना चाहिए। यानी मोहब्बत का तकाजा यह है कि यहाँ की हर एक चीज़ से, यहाँ के सुबह शाम मोहब्बत, सुबह शामों से भी प्यार और शहर के नामों से प्यार, हमें प्यार एक हर एक गाँव से, यहाँ के गाँवों से और शहरों से भी, और गाँव के अंदर लगे हुए घने बरगदों की घनी छाँव से, यानी बरगद का पेड़ जो बहुत ही घना होता है जिसकी छाँव बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बड़ी और फैली हुई होती है, इससे भी दरख्तों से, बरगद के झाड़ों से और उसकी छाँव से भी प्यार हो जाए। और अपनी इमारत यहाँ पे जो जो बनाई हुई तारीखी इमारत है उससे भी हमें अपनी मोहब्बत होनी चाहिए और अपनी हमारी रिवायात यहाँ अपने मुल्क की रिवायात, मजहबी रिवायात और यहाँ की तहजीब और तमद्दुन हर एक चीज़ से यहाँ के हर एक आदमी को प्यार होना चाहिए। हमें प्यार है अपनी तमीज़ से, हमें प्यार है अपनी हर चीज़ से, उठाए जो कोई नज़र क्या मजाल, तेरे रिंद लेंगे बढ़ के आँखें निकाल, सलामत रहें अपने दिलो दमन रहे गुनगुनाता हमारा गगन। यानी हमें क्या है हर एक चीज़ से प्यार होना चाहिए, यहाँ की तमीज़ से, अखलाक से हर एक को प्यार होना चाहिए। और कोई आदमी अगर हमारे मुल्क पर कोई गलत नज़र उठाए तो क्या है उससे बढ़कर आके उसकी आंखें निकाल लेना चाहिए। नहीं, कोई अगर गलत नज़र हमारे मुल्क पर जाता है, यहाँ के सलामती को क्या है ख़त्म करना चाहता है, यहाँ के प्यार भरे लोगों को कुछ तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है, तो हम आगे बढ़कर क्या है उसकी आंखें निकाल लेना चाहिए, नहीं उसे डट कर मुकाबला करना चाहिए और उसकी आँखें भी निकाल लेना, उसको किसी काम के काबिल नहीं रखना चाहिए।
सलामत रहें अपने दस्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गला। यहाँ पर दस्त, जंगल और मैदान, हर चीज़ यहाँ पर सलामत रहने की शायर दुआ कर रहा है। और यहाँ पे हर तरफ क्या है, गुनगुनाते हुए लोग, लोग क्या है, प्यार भरे नगमे गुनगुनाते हुए इधर से उधर फिरते रहें, सारा माहौल क्या है बहुत ही मोहब्बत भरा बन जाए। निगाहें हमारा की ऊँची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें, रहे पाक गंगोत्री की पवन, मचलती रहे जुल्फ गंगो जमन। यानी हिमालय क्या है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटियों में हिमालय का शुमार होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो हमारे मुल्क की सरहदों पर निगरान बनकर खड़े हुए हैं, उसकी ऊंची ऊंची चोटियां क्या है हमारी हिफाजत कर रही हैं, इस पर हमारी निगाहें होनी चाहिए। और यहाँ के चांद और तारों को देखकर हमारी आँखें क्या है चैन और सुकून हासिल कर सकें। हिमालय की चोटियाँ क्या है चांद और तारों को छू रही हैं, और गंगा व जमन, गंगो जमन यानी गंगा और जमुना जो क्या है हमारी मशहूर नदियाँ हैं, जो बह रही हैं जुल्फ की तरह बह रही हैं, मचलती रहे जुल्फ गंगो जमन, यानी जुल्फ बाल जिस तरीके से लहरा रहे हैं, गंगा और जमुना भी क्या है इसी तरीके से लहराती बलकाती हुई दरियाओं के अंदर दरियाएँ बह रही हैं। रहे जगमगाता ये संगम करूप, चमकती खुन चांदनी नरम तू, ये संगम करूप यानी नदियों का मिलने का जो संगम है, ये क्या है बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। और उसके साथ साथ क्या है, चांदनी के अंदर चमकती हुई चांदनी नरम और ठंडी चांदनी के अंदर और नरम धूप के अंदर क्या है यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम क्या है बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहा है। ये हमेशा सलामत रहने की शायर दुआ कर रहा है। झलकती रहे ये अशोक का किलाट, ये गोगुल की गलियाँ, ये काशी के घाट, लुटाती रहे अपने नैनों का मुद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध। यहाँ पे क्या है अशोक की लाट जो बनी हुई है वो क्या है हमेशा अपने मुल्क की बहुत ही खूबसूरत लाट बनाई हुई चीज़ है। ये गोगुल की गलियाँ, ये काशी के घाट, ये गोगुल की गलियाँ ये बहुत ही खूबसूरत मकामात हैं, और काशी के घाट जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, कुदरती नज़ारा पेश कर रहे हैं। यहाँ की हर एक चीज़ अपने मुल्क के अंदर अनोखी खसूसियत और ख़ासियत रखती है, जिसकी वजह से खूबसूरत हिंदुस्तान हर हर चीज़ में खूबसूरती बिखेर रहा है। लुटाती रहे अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस शामी और क्या है नैनों के ज़रिए अपनी आँखों के ज़रिए बहुत ही खूबसूरत नजराना पेश कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये बनारस की सुबह, बनारस के मकाम पर सुबह का जो सुबह जब नमोदार होती है तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन नज़ारा होता है बनारस के अंदर। और अवध के अंदर, अवध एक मकाम है जहाँ पर क्या है शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हिंदुस्तान के अंदर के हर एक एक मकाम के अंदर कुछ ना कुछ खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत मकाम, इमारात उनको मिलती हैं। काशी के घाट हो, गोगुल की गलियाँ हों, या बनारस की सुबह हो, या शाम अवध की शाम हो, ये सारी चीज़ें मुल्क के अंदर क्या है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें बुला रही हैं। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज, हमें सूरज की किरणों में और चांद की किरणों में ताज यानी ताज महल जो मोहब्बत की निशानी है वो क़यामत तक कायम रहने की शायर क्या है दुआ कर रहा है। रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज, क़यामत तक वो सही सालिम रहे और मोहब्बत की निशानी के तौर पर अपनी खूबसूरत खूबसूरती की वजह से हर एक को अपनी तरफ खींचता रहे। एलोरा के बुद्ध रक्स करते रहे, हंसी और तारों से भरते रहे, रहे मुस्कुराती हंसी वादियाँ, रहे शाद जंगल की शहजादियाँ। एलोरा के बुद्ध यानी अजंता एलोरा के अंदर जो बुद्ध तराशे गए वो अपने आप में क्या है रक्स करते रहे, नाचते रहे, झूमते रहे और हसीन गार तारों से भरते रहे, और गारों के अंदर खूबसूरती बिखेरते हुए झिलमिलाते तारे इसके अंदर भरे हुए। और यहाँ की हसीन वादियाँ हैं दो पहाड़ों के दरमियान जो खूबसूरत वादियाँ बनी हुई हैं, कई मकामात हिंदुस्तान के अंदर जैसे कश्मीर की वादियाँ बहुत ही हसीन हैं, ये दोनों पहाड़ों के दरमियान के बहुत खूबसूरत वादियाँ बनी हुई हैं। और ये रहेशात जंगल की शहजादियाँ, जंगल की शहजादियाँ से मुराद यहाँ पर जंगल की शहजादी हिरन को माना जाता है,
जंगल के जानवरों के अंदर क्या है, बहुत ही खूबसूरत जानवर हिरन माना गया है। तो जंगल सारे यहाँ पे शहजादे, खूबसूरत शहजादे सम्राट जंगल में पाए जाने वाले हिरनों का जिक्र कर रहा है। इसकी वजह से क्या है, वो अपनी खूबसूरती की वजह से जंगलों के अंदर इधर से उधर उड़ती नाचती कूदती फिर रही, हरी खेतियाँ लहलाती रहें, जवान लड़कियाँ गीत गाती रहें, यहाँ हर तरफ खेत हरे भरे लहलाते खेत रहे, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ के लोगों को सही तौर पर गजाई चीज़ें अजनास गजाई अजनास मिलते रहें, हर तरफ खेतियाँ हरी भरी रहें और यहाँ की जवान लड़कियाँ गीत गाते रहें, यानी उसी के अंदर झूमती हुई गीत गाती हुई अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुजारने वाली बने। लहकता रहे सब्ज मैदान मैदान, ज़मीनों पर बिजते रहे आसमां, फिजा में घटाएँ गरजती रहें, जवां सागरें तट पे बजती रहें। और सब्ज मैदान क्या है, सब्ज धान की वजह से क्या है, लहलाता रहे लहकता रहे, यानी धान की फसल जो चारों तरफ हम देखते हैं तो क्या है, आसमान पर एक हरी चादर बिछी हुई हमको महसूस होती रही है, इसकी वजह से क्या है, ज़मीन के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश होता है और आसमान ज़मीन पर बिछते हुए नज़र आते हैं, फिजा में घटाएँ गरजती रहें, जवान छागलें तट पर बिछती रहें, यानी छागलें यानी पानी के भर के रखने पिए जाने वाली चीज़, वो क्या है, झाड़ों से लटकते हुए नज़र आते हैं और उसकी वजह से कोई भी प्यासा आदमी क्या है, वो छागलों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता रहे, उड़ाती रहे आंचलों को हवा, मल्हारों की बूंदों में गूंजे सदा, दहकती रहे पाक होली की आग, रहे खेलती नारियां पीछे भाग, यानी जवान लड़कियां क्या है, अपने आंचलों को अपने पल्लों को हवा में उड़ाती रहें और बूंदों में गूंजे सदा, यानी बारिश की बूंदों में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ गूंजती रहे, मल्हार ये भी एक खूबसूरत आवाज़ वाले परिंदे हैं जो क्या है, बारिश के मौसम में इधर से उधर खूबसूरत आवाज़ के अंदर अल्लाह ताला की हमद सना गाते हुए फिरते हैं, देखती रहे पाक होली की आग, रहे खेलती नारियां पीछे भाग, सदा गाए राधा कन्हैया के गुण, मचलती रहे बन में मुरली की धुन। यानी होली एक यहाँ का एक त्यौहार है जो हिंदू लोग मनाते हैं, इसके बाद क्या है, होली खेलने के बाद क्या है, वो होली को जलाते हैं, जो आग पैदा करते होती है जलाने की वजह से, और उससे वो उसके अतराफ़ क्या है, खुशियाँ मनाते हुए नाचते कूदते गाते फिरते हैं और राधा और कन्हैया के गुण गाते हुए अतराफ़ फेरते हैं। रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडेरों पर जलते दीवे की खता। और दिवाली भी क्या है, यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार है, जिससे क्या है, इस त्यौहार के अंदर सारे दीवारों के ऊपर, दीवारों के ऊपर क्या है, छोटे छोटे दिए यानी चराग जलते हुए नज़र आते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। रात के वक्त, दिवाली के वक्त रात में क्या है, दीवारों के मुंडेरों पर, दीवारों के ऊपर क्या है, छोटे छोटे दिए जलते हुए यानी चराग जलते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज पेश करते हैं, जिससे देखकर बहुत में बहुत खुशी महसूस होती, फिजा रोशनी में नहाती रहे हमारी ज़मीन जगमगाती रहे, यानी इस दियों की रोशनी में, इन चिरागों की रोशनी में क्या है, यहाँ की फिजा क्या है, नहाती हुई और ज़मीन जगमगाती हुई हर तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आती है, रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। और आसमां पर क्या है, हिलाल यानी चाँद दमकता हुआ नज़र आए, जिसकी वजह से चाँद देख कर लोग क्या है, ईद मनाएं और मुस्कराता हुआ चेहरा लोगों के एक दूसरे के सामने नज़र आए खूबसूरती के साथ, गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहें। ईद के मौके पर कह रहे हर एक आदमी के मुस्कराता हुआ अपने खूबसूरत चेहरों को लेकर एक दूसरे से गले मिलता है, खूबसूरती अपने चेहरों पर क्या है, एक बहुत ही खुशी महसूस करता है, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश करता है और हर दिल क्या है, फूलों की मानिंद दूसरों के एक दूसरे के लिए एक बहुत ही अच्छा जज्बा रखता है। रही ये बसंतों के मेले की धूम, रहें शाद ये गीत गाते हुजूम, यानी बसंतों के मेले यानी ये हर मौसम में हर सीज़न में यहाँ पे क्या है, मेले लगते हैं और लोग जमा होकर क्या है, गीत गाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल पैदा होता है, लोग इनको देखने के लिए जमा होते हैं। हसीनों के लहके बसंती लिबास, रहे नर्म चेहरों पे हल्की मिठास, यानी हसीना यानी खूबसूरत लड़कियां, जवान लड़कियां क्या है,
नए नए लिबास पहनकर इसको इस मेले के अंदर आती हैं और गीत गाते हुए क्या है एक दूसरे के लिबास को बताते हुए हल्की हल्की मिठास के साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गीत गाते हैं, जिसकी वजह से हर एक के दिल के अंदर मिठास पैदा होती है। हंसी राखियाँ झिलमिलाती रहें जमा जम सितारे लुटा। इन्हें राखियाँ क्या है, ये भी एक राखी बांधने बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। ये राखियों की ईद भी क्या है, बहुत ही अहतमाम से मनाई जाती है। रहे अपने भाई पे बहनों को नाज, ये मासूम नरमी ये मीठा पदार्थ। ये राखी बांधने पर भाई क्या है अपने बहनों को क्या है कुछ नजराना पेश करते हैं, कुछ तोहफे तोहफे देते हैं, कुछ रुपया पैसा देते हैं, और बहनें अपने भाइयों पर नाज और फ़ख्र करती हैं कि मुझे इतना चाहने वाला भाई मिला है। इसके एक दूसरे के दिल में क्या है बहुत ही एक दूसरे के लिए मोहब्बत जाग उठती है, पैदा होती है। घरों का तखल्लुस है बरकरार, ये बेटों के माथों पे माओं का प्यार। और घरों के अंदर क्या है बहुत ही अदब एहतराम से रहने वाले लोग और बेटे अपने माओं के माथों पे माओं के कदम चूमते रहें, माओं की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाते रहें। रहे शाद आबाद सहनों की धूम, रहे रंग आंगनों में रखते नजूम, सलामत रहे दुल्हनों की पुफन। यानी शायर दुआ गो है कि यहाँ की सहनों के अंदर हमेशा क्या है खुशियाँ ही खुशियाँ खेलती रहें, हर एक के चेहरे के है चमकते रहें। इस तरीके से सितारे जो आसमान पर चमकते हैं, और उसी तरीके से यहाँ के लोगों के चेहरे पर चहक मुस्कुराहट और चमक पैदा हो। सलामत रहे दुल्हनों की पहन, सलामत रहे दिल में खिलते चमक। और यहाँ की दुल्हने यहाँ की जवान लड़कियाँ क्या है दुल्हनों की शिकल में बन ठन कर संभर कर क्या है आसानी से अपने ससुराल को जाएं और एक दूसरे के साथ क्या है हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी घुमाएं। सलामत रहे अंकड़ियों की हया, सलामत रहे घूंघटों की अदा। और दुल्हनें जब बनाई जाती हैं तो उनको घूंघटों से ढांका जाता था, ये एक अदाएँ होती हैं, ये एक हसीन मौका होता है जो लड़कियों की ज़िंदगी में आता है। सलामत दुपट्टों की रंगीन बहार, सलामत जवान आंचलों का विखार। और दुपट्टों की रंगीनी, ये दुपट्टा क्या है अपने जिस्म को ढांकने के लिए होता है, जो ओढ़ने से क्या है उसका जिस्म लड़कियाँ और भी बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। ये सलामत रहने के लिए दुआ शायर दुआ कर रहा है, सलामत रहे पाक अफशां का नूर, सलामत रहे बिंदियों का गुरूर। हमें हर चीज़ यहाँ की सलामत रहने के लिए, यहाँ का नूर, यहाँ की रोशनी, यहाँ की खूबसूरत, यहाँ की काजलों की रखी, सलामत रहे काजलों की रखी, सलामत रहे नजरों के तीर। यानी लड़कियों की आँखों में जो काजलों की लकीर है वो भी सलामत रहने, किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे यहाँ की लड़कियों को, बूढ़ों को, बड़ों को, बच्चों को। सलामत रहे चूड़ियों की खनक, सलामत रहे कंगनों की चमक, सलामत हसीनों के 16 सिंगारी जोड़े लिपटे चमेली के हाथ। सलामत यानी चूड़ियों की खनक भी सलामत रहने और कंगनों की चमक भी क्या है सलामत रहने के लिए हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और हसीनों के 16 सिंगार, जैसे हसीनें अपनी खूबसूरती को दोबाला करने के लिए जो सिंगार करती हैं वो भी सलामत रहने की दुआ कर रहा है। ये जूड़े चमेली लिपटे चमेली के हार, यानी जो बालों का जूड़ा बनाया जाता है उसके तरफ जो फूलों का हार लगाया जाता है, चमेली का हार लगाया जाता है, ये सारी खुशियाँ सारी चीज़ें सलामत रहने की दुआ कर रहा है। सलामत रहे मर्ग नैनों के बाम, सलामत रहे मर्ग नैनों के बाम, सलामत रहे मरने वालों की शाम, सलामत वफाओं के अरमा रहें, सलामत मोहब्बत के पैमा रहें, सलामत रहें हीर राजा के गीत, रहे हार भी में भी मोहब्बत की जीत। यानी सलामत हर एक चीज़ सलामत रहने के लिए दुआ कर रहा है। यहाँ के वफा, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ के लोगों के दिल के अरमान, यहाँ के एक दूसरे से मोहब्बत का हद पैमान, सारी चीज़ें सलामत रहने की दुआ कर रहा है। और यहाँ पर हीर और राजा के गीत, रहे हार भी मोहब्बत की जीत। और अगर हार भी हो गई तो क्या मोहब्बत के अंदर
जीत शुमार की जाए। इस तरह से लोग रुझाना रहे, मुस्कुराना रहे, मनाना रहे, रूठ जाना रहे। लुझाना शर्माना, यानी शर्माना और मुस्कुराना और मनाना और रूठ जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ के लोगों के अंदर हर किस्म का अंदाज सलामत रहने की दुआ कर, मोहब्बत के चश्मे उबलते रहें, जो साल नंबर से डरते रहें, हर तरफ मोहब्बत के ही गीत गाया जाए, हर तरफ जवान लोग क्या है नए नए नगमे गाते हुए नए साल का इस्तकबाल करते रहें। रहे धूम टैगोर इकबाल की, रहे शान पंजाब और बंगाल की, रहे नाम अपने अदब का बुलंद दिलों में समाया, रहे प्रेमचंद। यहाँ पर टैगोर इकबाल जो बहुत ही बुजुर्ग मशहूर शायर गुजरे हैं, इन्होंने वतन की मोहब्बत में कई गीत कई नज़में लिखी हैं, और पंजाब और बंगाल ये भी क्या है बहुत ही मशहूर मकामात यहाँ के शहर हैं, वो भी क्या है सलामत रहने के शायर उम्मीद करता है, और अपने अदब के अंदर और यहाँ के अदब के अंदर कहे बहुत ही बुलंद और मुकाम मर्तबा रखने वाले प्रेम चंद जो हर एक के दिलों में समाए रहे, सदा जिंदगानी गज़ल खां रहे, ज़माने में गालिब का दीवान रहे। हर आदमी की ज़िंदगी क्या है एक गज़ल की तरह हो, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गज़लों के अंदर गालिब के दीवान के अंदर गालिब की शायरी के मजमुओं के अंदर जो खूबसूरत नज़में हैं और गज़लें हैं जिसके अंदर प्यार मोहब्बत की बातें, ये सारी चीज़ें जिसको पढ़ कर क्या है यहाँ के आदमी क्या है एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। फिज़ाओं में सिटते रहें ये सितार, सदा झुनझुनाते रहें दिल के तार, मचलती रहे मस्त बीना की मैं, बरसती रहे सात रंगों की मैं। फिज़ा के अंदर क्या है हर तरफ खूबसूरत चीज़ें बिखरी हुई रहें, यहाँ पे पीने वाले मैं शराब पीने वाले लोग भी क्या है अपनी ज़िंदगी को क्या है मस्ती के साथ गुजारते रहें। हर तरफ बारिश के बाद क्या है जो सात रंगों की कौसो खजाह नज़र आती है, जिसकी वजह से हर एक आदमी इसको देखकर खुशियां मनाता है। ये सारी चीज़ें या सारी निशानियां क्या है अपनी मोहब्बत के अंदर चैन और सुकून को क़ायम करने वाली है और अमन चैन क़ायम करने वाली चीज़ें रखती हैं। दहकता रहे अपने दीपक का राग, कलेजों में लगती रहे नर्म आग, रहे कून जीती घंगुरों की खटक, ये गनोमर ये कथक के तोड़े रहे, जवान नाच और दिल को झिझोड़े रहे। यानी हर तरफ क्या है नए नए लोग अपने अपने अंदाज में क्या है गीत गाते रहें, हर एक दिल के अंदर क्या है नर्म, हर एक का दिल नर्म हो, और घुंघरों की आवाज़ हर तरफ सुनाई दे, दफों की सदा ढोलकों की कुमक, यानी हर तरफ खुशी के मौक़ों पर दफों की आवाज़ सुनाई दे और ढोलकों की आवाज़, खुशी के गीत हर एक आदमी गाता रहे, ये गनोमर ये कथक के तोड़े रहे, नवा जवान नाच दिल को झिझोड़े रहे। रहे साकिया बाद खौरों की खैर, रहे साकिया तीर तेरे प्यारों की खैर, यानी खुशी में हर एक आदमी क्या है बाद खौर साकिया यानी पिलाने वाले लोग क्या है खुशी में अपने एक दूसरे को क्या है शराब पिला कर एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बाँटते रहें। हर एक तरफ क्या है प्यार ही प्यार, हर तरफ बिखेरता रहे उबरता रहे जिंदगानी का जोश, रहे तेरे निंदों को दुनिया का होश, यानी हर एक के अंदर क्या है अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से गुजारने हंसी खुशी गुजारने का एक जोश और जज्बा पैदा, और पिलाने वाले लोग भी क्या है लोगों को पिलाकर दुनिया के अंदर होश के साथ ज़िंदगी गुजारने की बात बताते रहें। ज़्यादा पिलाने की वजह से कई आदमी अपने होश खो जाता है, बल्कि अपने आप में नहीं रहता, अपने से बाहर हो जाता है, यानी होश को कायम रखते हुए क्या है अपनी खुशियों को क्या है दोबाला करना है। सुराही से सागर रहे मुत्तसिल, न टूटे कभी तीर शीशों का दिल, सुराही और सागर एक दूसरे जुड़े हुए, हमेशा क्या है खुशियों का ही खुशियों का दौर चलता रहे, कभी कोई दिल न टूट जाए। दिल क्या है शीशे की मानिंद, अगर ये टूट गया तो क्या है आदमी को बहुत तकलीफ़ होती है। उठा जाम हादा और साकी, रहे रहा जहाँ में सदा अमन बाकी रहे, इन्हें और पीले और पिलाने के साथ साथ क्या है लोगों के अंदर एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का जज्बा पैदा हो, जिसकी वजह से क्या है दुनिया के अंदर अमन हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहे,
यानी मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होना, एक दूसरे के साथ मिलकर जोश और खरोश के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना, तब कहीं जाकर दुनिया के अंदर अमन चैन और सुकून बाकी रह सकता है। ये शायर के अपने ख्यालात हैं।